और निगम भिलाई के सभागार में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने समीक्षा बैठक ली। बरसात को देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर आयुक्त ने अधिकारियों से जानकारी ली तो पता चला कि कुछ लोगों द्वारा भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया गया है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर नियम अनुसार राशि राजसात करने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक तौर पर 92 लोगों का चयन किया गया है जिनकी राशि राजसात की जाएगी। इन सभी को नोटिस जारी करने के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की राशि राजसात करने संबंधी सूचना दी जा चुकी है। इनसे राजसात की गई राशि से निगम इन्हीं के घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाएगा। इसकी जानकारी निगम भलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सर्वा ने न्यूज टीम। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो बरसात का पानी होता है उसको सहेजने का काम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से होता है और उसको भूगर्भ में पहुंचाने का काम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से किया जाता है ताकि वाटर लेवल बना रहे और जो पानी का लेवल है ना, वाटर रिचार्ज जो है वो सही रहे। इन सभी चीज़ों को लेकर के वाटर हार्वेस्टिंग जो है प्रत्येक घरों में होना अनिवार्य है। जितने भी भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र हमसे निगम से लिए हुए हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना है। इसी तारतम्य में जो है आयुक्त महोदय ने समीक्षा बैठक ली और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उस पर ऐसा चर्चा हुआ कि जितने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद भी नहीं बनाए हैं, जिनका बिल्डिंग लगभग पूर्ण हो गया और उन्होंने नहीं बनाए हैं, तो उनको तो खैर निगम पीसीसी जारी नहीं करता। लेकिन ये है कि जो पूर्ण होने के बाद 2011 में ऐसे कॉन्सेप्ट आए थे कि जितने घर बने हैं उनमें भी लगाना है, तो उनकी एफडीआर हमारे पास में निगम में जमा होती है। ऐसे 92 लोगों को प्रारंभिक रूप में चिन्हांकित किया गया है जिनका राशि राजसात किया जाएगा। इनकी सूचना भी उनको दी जा चुकी है, 3 बार प्रकाशन के माध्यम से सूचना दी गई है। अब ऐसे लोगों की जो है वो राशि राजसात करके फिर निगम जो है उन पैसों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग उनके घरों में डेवलप करेगा।